हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुक आयशा। आज मैं बनाने वाली हूँ बेकरी स्टाइल कोल्ड केक। बेकरी वाला केक तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। वीडियो थोड़ा सा फास्ट है तो आप इसे स्टॉप करके देख सकते हैं। एग्स को ब्रिक करके एग वाइट और एग योक दोनों को सेपरेट कर लीजिए। पहले हम एग योक लेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक बड़ा सा बोल और उसमें ऐड करूँगी एग वाइट और इसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए स्टीफ पिक आने तक। अगर इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप स्पून या हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमने एग वाइट को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर 2 पार्ट में। अब इसी तरह से बची हुई पाउडर शुगर भी ऐड कर लेंगे। देखिए, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं ऐड करूंगी एग योक। अब हम लेंगे 1 कप मैदा और इसे भी 2 पार्ट में ऐड कर लेंगे। ये देखिए, मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बचा हुआ मैदा। अब मैं एक बोल में ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून ऑयल और उसी में ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून हल्का सा गरम दूध और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब इसी मिक्सचर में थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए है। इससे केक 100% सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनेगा। थिन बैटर को बचे हुए बैटर के साथ कंबाइन करके 5 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। कढ़ाई को स्टैंड के साथ प्रीहीट होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और तब तक मैं केक मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और इस पर बटर पेपर लगा दूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इस पर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब मैं बैटर को केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मोल्ड को 2 बार टैप करेंगे ताकि अगर इसमें कोई एयर बबल हो तो निकल जाए। अब मोल्ड को रखेंगे प्रीहीट की हुई कढ़ाई में 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। ये देखिए, 35 मिनट बाद हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया है। ये देखिए दोस्तों, हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे डीमोल्ड करूंगी और इस बटर पेपर को भी रिमूव कर दूंगी। अब केक को 2 लेयर में डिवाइड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे 3 लेयर में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लेंगे केक की 1st लेयर और इसे शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक कर लेंगे और इस पर भी क्रीम स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पर रखेंगे केक का 2nd लेयर और इसे भी अच्छी तरह से शुगर सिरप से सोक कर लेंगे और व्हिप क्रीम स्प्रेड कर लेंगे और केक के साइड्स को भी व्हिप क्रीम से कवर कर लेंगे। अब हमारे केक की फ्रोस्टिंग कम्प्लीट हो चुकी है। केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हमारा केक भी सेट हो गया है, तो चलिए इसे डेकोरेट कर लेते हैं। केक टॉप के एड्जेस पर मैं हर्षी स्ट्रिप लगा रही हूँ और उसके साइड्स पे भी इसी से स्ट्रिप्स भी बना लूँगी। आप चाहे तो मेल्टेड चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। केक के सेंटर को मैं ग्रेटेड चॉकलेट से डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी डेकोरेट कर सकते हैं। और केक के साइड में मैं लगाने वाली हूँ रेड से बने हुए लीव्स एंड
रोज फ्लावर, ये फोंडेंट भी मैंने घर पर ही बनाया है। बहुत जल्द फोंडेंटों पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। देखिए हमारा केक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।